मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। अमरापुर वाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा। पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम।
अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान, पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। सतनाम साखी, सतनाम साखी, जिक प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिक प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, सहज अंदर में ज्ञान जी जोत भरे, सहज अंदर में ज्ञान जी जोत भरे, जिक प्रेम प्रकाशी ग्रंथ अमृत रस जी संग तह सा साड़ी।
परमेश्वर संतो Thank you.
रखाए तो है पत्थर प्रेम सताए तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बंदा राम नाम तू बोल ज की न जन्म अजायो रो। सवेलो आलस छड़ तू गुरा मंत्र समन के गद तू जाग सवेलो आलस छड़ तू गुरा मंत्र समन के गद तू निज आत्म राम के गोलज की न जन्म अजायो रो। कुल कुटुंब सा प्रीत लगाए पहनजो बैठे पान ठगाए कुल कुटुंब सा प्रीत लगाए पहनजो बैठे पान ठगाए हाणे ममता गंड खोल ज की न जन्म अजायो रो। माया ले तो उम्र विनाई सण न हलंदई हिकड़ी पाई माया ले तो उम्र विनाई सण
नामन डोलज कि न जन्म अजायो रोलज। झूठे धन लय जन्म अजायो रोलज। इहा गाल हृदय में तोलज की न जन्म अजायो रोलज। बंदा राम नाम तू बोलज की न जन्म अजायो सतनाम साखी राग भैरव भजन ते। बंदा राम नाम तू बोलिज की न जन्म अजायो रोलिज। इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज हम जिज्ञासुओं प्रेमियों को बंदा नाम से संबोधित कर रहे हैं। बंदा अर्थात जो भगवान की बंदगी करे, भक्ति करे, वो बंदा है। और भगवान से बेमुख हो वो बंदा नहीं, वो गंदा है। सदगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि तुम्हें ये अमोलक जन्म मिला है, उसको सफल करो। इस मनुष्य जन्म में राम नाम का सुमरण करके, जप करके अपने जीवन को सफल करो। राम नाम से विमुख होकर जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। जाग सवेलो आलस छड़ तू, गुर मंत्र सा मन के गड़ तू, निज आत्म राम के गोलिज। उसके लिए सबसे पहले अमृत वेले में तुम्हें जागना होगा। यह जो निद्रा देवी है वह अमृत वेले के समय इस जीव को ज्यादा घेरती है, इसलिए सदगुरु महाराज जी सजग करते हुए फरमा रहे हैं कि सवेले जाग करके आलस का त्याग करें। गुरुदेव से जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करें। इस प्रकार जिस अपने आत्म स्वरूप को तुम खो चुके हो उसे फिर से ढूंढने का प्रयास करो, उसे पाने का प्रयास करो। निज आत्म राम के गोलज। गुरु महाराज जी ने दुआवली में फरमाया है, अपना आप भुलाए के याद किया परिवार, कहते हूं इस कारणे दुखी भया संसार। आत्मराम यानी अपने स्वरूप को तुम भूल चुके हो, लेकिन तुम्हें अपना परिवार, मित्र, संबंधी हमेशा याद हैं।
इसलिए संसार में तुम्हें दुखों की प्राप्ति हुई है। कुल कुटुंब सा प्रीत लगाए, पहंजो वेठे पान ठगाए, हाणे ममता जी गंड खोलिज। ये जो तुम्हारे मित्र हैं, संबंधी हैं, ये तुम्हारे हितकारी नहीं, ये तुम्हें ठगने वाले हैं। प्रेम का झूठा आचरण करके तुम्हारे श्वासों रूपी धन को, अमोलक शरीर को, तुम्हारे श्वासों को ये तुमसे ठग रहे हैं, छीन रहे हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर उनसे तुम बचना चाहते हो तो हाणे ममता जी गंड खोलज, इनसे ममता हटाओ। वास्तव में ये तुम्हारे नहीं, जब तक इनसे ममता नहीं हटेगी तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन हमारा चलन बिल्कुल उल्टा है, संसार के साथ प्रीत और ईश्वर गुरु को विस्मृत करके अपने जीवन को हम दुखी बना रहे हैं। माया लाए तो उम्र विनाई, साण न हलंदई हिकड़ी पाई, झूठे धन लाए ना मन डोलिज। सारी आयु हम धन के पीछे भागते रहते हैं, माया के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमने विचार नहीं किया कि आज तक जो संसार से गए हैं उनके साथ एक कौड़ी भी नहीं गई, कुछ भी उनके साथ नहीं जाता। बहुत लोगों को हमने शमशान में पहुंचाया, लेकिन कोई कुछ इस संसार से लेकर नहीं जाता। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़ों के द्वारा सुना, लेकिन फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रात दिन धन के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, झूठे धन लाए ना मन डोलिज। इस धन के पीछे अपने मन को विचलित चंचल मत करो, डोलायमान मत करो, मन को धन के पीछे मत लगाओ। तो फिर क्या करें अगर धन के पीछे न जाएं? तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, कहे टेऊं हित रहनो नाहे, आखिर तोखे हलणो आहे, या गाल हृदय में तोलिज। तुम्हें यहां हमेशा रहना नहीं है, यहां से तुम्हें जाना पड़ेगा, और ये धन पदार्थ सब यहीं छोड़ के जाओगे, आगे कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसी वस्तु को इकट्ठा करें जो आगे हमारे काम आए, वो है नाम रूपी धन। यदि नाम रूपी धन को इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे काम आएगा। या गाल हृदय में तोलिज, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि इस बात को अपने मन में तौल कर देखो, विवेक की तराजू में तोल कर देखो कि ये सच है या झूठ। संत महापुरुष हमेशा सत्य वाणी बोलते हैं, इसलिए अपने मन को गुरुदेव के चरणों में लगा के अपना जीवन सफल बनाया है।